சாயி துறவரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி தியோ நா பிரசோதயாத். ஓம் பூர்வோஸ்வ தஸ்ஸவி துர்வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி தியோ நா பிரசோதயாத். गुंज का निर्माण इसलिए किया है कि यहाँ पर महामानवों को गढ़ा जाए ऊंचे सिद्धांत के साथ। तो यहाँ लोग रहते हैं, रहने वाले यहाँ के रहने वाले लोग पेट और प्रजनन के लिए नहीं है, ऊंचे सिद्धांत के लिए यहाँ जी रहे हैं। उसी के निर्माण के लिए शांति कुंज बना है। ब्रह्मवर्चस्व का निर्माण हुआ है आस्तिकता को फैलाने के लिए और तपश्चर्या के लिए बना है। तपश्चर्या के लिए बना है। गुरुदेव ये कहते हैं कि तप के द्वारा उन सारी शक्तियों को जगाया जा सकता है जो मनुष्य में है। तप के द्वारा, तप का मतलब है कि सिद्धांत के साथ जीने में जो मुसीबत आती है उसको सहन करना तप कहलाता है। सिद्धांत पर जीने के लिए जिसको मुसीबत उठानी पड़ती है वो तप कहलाता है। भजन करना, यज्ञ करना, उपवास करना, ये तब ठीक है, ये एक मार्ग है, ये एक माध्यम है। लेकिन तब ये नहीं है कि आपने नमक नहीं खाते हैं तो आप बहुत बड़े हो गए। नमक तो गधा भी नहीं खाता है। नमक नहीं खाते, लेकिन नमक आप किस कारण से नहीं खा रहे हैं ये बात महत्वपूर्ण है। किस कारण से आपने संकल्प लिया है कि ये काम जब तक नहीं हो जाएगा मैं नमक नहीं खाऊँगा या मैं मेरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए नहीं खाऊंगा, ये संभव है। लेकिन नमक न खाने से आप बड़े हो गए ये गलत है। दाढ़ी बढ़ा लेने से या जप कर लेने से, आप जो है यज्ञ करा लेने से, प्रवचन देने से या आप कोई बड़े आयोजन को समापन कर लेने से आप बड़े हो गए, नहीं, ये नहीं है। ये तो माध्यम है। सब कर्मकांड माध्यम है, कर्मकांड साधन है, साध्य नहीं है। ये साधन है कर्मकांड पूरा, जिसके माध्यम से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसके पीछे के भाव क्या हैं बहुत महत्वपूर्ण है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरुदेव ने हर समय आपको और हमको यहाँ बुलाया है और कुछ दिया है ऊपर उठने के लिए, ऊंचा उठने के लिए, महामानव बनने के लिए। बड़ा आदमी बनने के लिए नहीं दिया है। बड़ा आदमी वो होता है जो साधनों के पीछे भागता है, अपने कुर्सी के पीछे भागता है। उसको वो पसंद है, मेरा नाम होना चाहिए, मुझे माला पहनाई जानी चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मुझे वो होना चाहिए, मेरा नाम इस कमेटी में नहीं है, मुझे ट्रस्टी क्यों हटा दिया गया, मुझे ये क्यों कर दिया गया। ये सारी बातें भौतिक जीवन जीने वालों की, आध्यात्मिक वालों की नहीं है। महामानव वो महामानव बनता है जो गुणों के द्वारा बनता है, जो अपने गुण, सेवा भाव, त्याग, उसका तपस्या, उसका जो है स्वभाव, उसकी आदतें, उसकी मान्यताएं, उसका एहसास, ये सारी की सारी चीज़ें महामानव बनाती है। तो गुरुदेव आपको और हमको महामानव की तरफ ले जाने के लिए ही बुलाया है बार बार यहाँ पर। और उन्होंने ABCD से प्रारंभ कराया, हाथ पर केवल कहा नहीं है, सिद्धांत को कहा नहीं है उन्होंने। जिस तरह से बच्चे को देने के लिए, खिलाने के लिए सरलिक चाहिए, बहुत हल्का खाना उसको चाहिए, बहुत हल्का खाना चाहिए उसको, उसको गिजा से वो पेट खराब हो जाएगा, उसको पचा भी नहीं पाएगा, उल्टी कर देगा। गुरुदेव सब कुछ हमको देना चाहते हैं लेकिन देते नहीं हैं। क्यों? हम उसके काबिल नहीं हैं। बच्चे से बंदूक की गोली और तिजोरी की चाबी छिपा के रखते हैं आप, है तो बच्चा आप ही का, देना आप ही को है, सब कुछ आपके पास है और उसी के लिए है, लेकिन उसको नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? काबिल नहीं है, उसके काबिल नहीं है। अगर उसको दे दिया तो वो अपना नुकसान कर लेगा, दूसरे का नुकसान कर लेगा।
तो गुरुदेव क्या कहते हैं, बेटा मैंने यहाँ पर सारे साधन, सारी शक्तियाँ, शांतिकुंज पूरा उनका शरीर है, उनका शरीर है। यहाँ पर आकर के आप आए हैं तो अपना जो कुछ भी दुख तकलीफ कोई बात हो तो प्रखर प्रज्ञा पे आप कह सकते हैं, वो जरूर मदद करेंगे, करते आए हैं करेंगे। लेकिन उसके बाद आप उनके मानस पुत्र हैं, ये सेकंड बात है, क्योंकि दूसरे लोग भी आते हैं। कौन लोग? जरूरतमंद लोग आते हैं जो अपनी कामनाएं लेके आते हैं और चले जाते हैं, उनसे मिशन से कोई लेना देना नहीं। वो गुरुजी के पैर पूछते हैं, उनका काम पूरा किया और वो भागे वहाँ से, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है मिशन से, कि सिद्धांत से, युग निर्माण से, उनसे कोई लेना। वो वर्ग भी है, वो भी आता आया है पहले, तभी तो अपने जीते जी गुरुदेव ने प्रखर प्रज्ञा सज श्रद्धा को बना दिया था, कि बोले बेटा मैं और माता जी दोनों जीते जी हम अपने आप को यहाँ गाड़ देते हैं, ताकि जो सामान्य वो वर्ग जो उस तरह का वर्ग है आए, प्रणाम करे, अपनी बात को कहे, हम उसको सहायता करेंगे। अगर उसके ऊपर 80 किलो का वजन है तो हम 40 किलो उतार ही लेंगे, 40 किलो उसका भाग्य है, उसका प्रारब्ध है।